हे गुड कर्मा फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा ही कर रहे होंगे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या एंजल की साइड से आपके लिए क्या संदेश है, क्या अर्जेंट मैसेज है। पहले हम करंट एनर्जी देखेंगे आपकी। ओके, क्या करंट एनर्जी है? जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपना नाम ले सकते हो 3 बार, और आप जिनमें भी बिलीव करते हैं उनको याद कर सकते हो। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब मिलेगी तब रेजोनेट करेगी। साथ ही जेंडर बेस नहीं है, जर्नल कलेक्टिव है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक कर दिया है। मैं एक एक करके कार्ड्स लूँगी। सबसे पहले तो मुझे करंट एनर्जी में ये चीज़ें दिख रही हैं कि आप ना एक तरीके से साइलेंट हो चुके हो। काफ़ी ऐसी सिचुएशन होगी अभी जो आपकी करंट एनर्जी चल रही है, जिसमें ना आप चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो, या आपको ना किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको ना ऐसा फील हो रहा है कि मैं जिन लोगों के साथ हूँ उन लोगों के साथ मैं सही कनेक्ट फील नहीं कर पा रहा हूँ। कॉन्शियसनेस जाग रही है आपकी, कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा आपका एक्टिव हो रहा है। या अभी आपकी ऐसी सिचुएशन है करेंटली कि आपको ना समझ नहीं आ रहा है कि जो मेरी सिचुएशन चल रही है उसमें मुझे क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है आगे या क्या होने वाला है। और आप चाह रहे हो कि कोई ऐसा मेंटोर, ऐसा गुरु आपको मिल जाए जो आपको गाइड कर सके। आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। और दूसरी चीज़, अभी आपकी एक ऐसी सिचुएशन चल रही हो सकती है जैसे हर्मिट मोड। ओके, तो आप एनालाइज बहुत कर रहे हो, आप खुद में बैलेंस लाने का बहुत ट्राई कर रहे हो, ये दिख रहा है मुझे करंट एनर्जी में। साथ ही आपके साथ ना इक्वल गिव एंड टेक वाली चीज़ें नहीं हो रही हैं, या आप अपनी साइड से एफर्ट बहुत डाल रहे हो बट उस एफर्ट की ना कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, तो इस वजह से भी ना आप चुप हो गए हो। सेल्फ रियलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है आपको कि भाई ये किस सिचुएशन क्यों बिगड़ रही है, क्या हो रहा है। आपकी करंट एनर्जी ये है कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ना ये वाला टाइम रहे, ये वाली सिचुएशन रहे कि आप अच्छे से इंजॉय कर पाओ, खुल के अपनी लाइफ को जी पाओ अपने नियर एंड डियर वन के साथ। और कहीं ना कहीं आपका मन है कि आप ना खूब घूमना चाहते हो, झूमना चाहते हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, बट वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। सिचुएशन बिल्कुल आपकी सोच के विपरीत जा रही है, ऐसे मैं कह सकती हूँ। और जो आपके खास मित्र थे या खास लोग थे ना, उनके साथ भी आजकल आपकी बन नहीं रही है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो। आप चाहते हो अपनी लाइफ में एक बड़ी जीत, एकदम से आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो कि एक ब्रेक थ्रू आ जाए, जिससे आपको समझ आ जाए कि हाँ भाई अब आपको ये करना है। बेसिकली आपको ना अपना पद चूज़ करने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। आपकी करंट एनर्जी ना कुछ ऐसी ही है, या तो आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास पे काम कर रहे हो, हीलिंग ले रहे हो, उसको हील करना चाह रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपनी बचपन की कुछ यादों को जी रहे हो या जीना चाहते हो। अभी रिसेंट में कुछ हुआ हो ऐसा जिसमें आपको अपना याद आया हो बचपन, अब अपनी लाइफ में ना सक्सेस चाहते हो। मैं कह रही हूँ ना, क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड आया, मैं कह रही हूँ ना कि आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में एकदम से सडन ब्रेक थ्रू आ जाए, जिससे आपको समझ आ जाए कि भाई आपकी लाइफ जो है वो कहाँ जा रही है, किस रास्ते पे जा रही है। अब भी आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में ना एक बड़ी जीत हासिल हो जाए, आप चाहते हो आप दुनिया पे राज करो, आपका चाहे बिजनेस हो या जॉब करते हो या कैसे भी, बट आप चाहते हो कि आपका नाम होना चाहिए। शायद ऐसा हो सकता है कि अभी आप अगर जॉब में हो तो वहाँ पे ना आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, वहाँ पे आपको ये चीज़ें फील हो रही है कि नहीं, ये काम के लिए मैं नहीं बनी हूँ, नहीं बना हूँ, मुझे कुछ और करना है, मुझे खुद का कुछ और करना है, वो वाला है सीन। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे हो, या ऐसा हो सकता है कि अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो आप चाहते हो कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करे,
लेकिन वो चीजें हो नहीं रही है और इसी वजह से ना आप बहुत ज्यादा ही साइलेंट हो गए हो। आपका इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग है, बट हाँ आपको ये है कि भाई मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे एक सही गुरु चाहिए जो मेरी लाइफ में ना इस जर्नी में मुझे हेल्प कर दे ताकि मुझे सक्सेस मिल सके, मेरे अंदर वो बैलेंस आ सके। अगर ये करंट एनर्जी आपसे रेजोनेट की है तभी आगे की रीडिंग देखना, अदरवाइज आप छोड़ के जा सकते हैं। सो अब हम एंजल्स कार्ड से देखेंगे, एंजल और एंसेस्टर दोनों कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, ये बहुत कम ही लोगों तक जाएगी रीडिंग। सो लेट्स सी जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं अभी तक हैं उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके ओके सो अभी जो मैंने एंजल्स कार्ड्स निकाले हैं, मैंने कहा ना कि या तो आपको कुछ अपनी बचपन की चीज़ें याद आई हैं, ओके तो आप उनको याद करके खुश हो रहे हो, या फिर आप चाइल्डहुड ट्रॉमास जो रहे हैं ना आप उन चीज़ों को हील करना चाह रहे हो। ओके और यहाँ पे यही चीज़ें बोलना चाह रहे हैं एंजल्स कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। ओके आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, लेकिन ये अबंडेंस तभी आएगी जब जो आपकी करंट सिचुएशन है जो मैंने बताई थी अगर उसमें आप चेंज लाने के लिए रेडी हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन में ना बदलाव आना चाहता है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं रहते। तो अगर आपको कोई चीज़ दी जा रही है अगर आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आपके पास वो कैसे आएगी, उसकी जो ब्लेसिंग है वो कैसे आएगी। तो यही चीज़ है कि शायद आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आया है, टावर मोमेंट आया है, या अभी आप एक हर्मिट मोड में हो जिसकी वजह से आप सेल्फ एनालाइजेस ज़्यादा कर रहे हो कि भाई मेरे साथ ये क्यों हुआ, मुझे अपने अंदर क्या करेक्शन करने की ज़रूरत है, या फिर आपको ये चीज़ें फील हो रही है कि नहीं अब मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, एक फ्रेश स्टार्ट करनी है। और उसी में यूनिवर्स एंजल्स कह रहे हैं कि भाई ये जो सिचुएशन है ना ये इसको देखो, एनालाइज करो, इससे ना चेंज होने के लिए आगे बढ़ो, तभी आप ग्रो कर पाओगे, तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, तभी आपकी लाइफ में ना जॉय हैप्पीनेस ये सब चीज़ें आएंगी। और कहीं ना यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि अपनी जीवन को ना इतना भी सीरियस मत कर लो कि उसमें ना जो छोटी छोटी खुशियां हैं ना उसको आप जीना ही भूल जाओ। ओके तो अगर कोई भी आपको ऐसा मोमेंट मिल रहा है जिसमें आप जी सकते हो, अपने चाइल्डहुड जो भी ट्रॉमास हैं उनको हील कर सकते हो, तो वही चीज़ मैं कहूँगी कि आपको ना प्रायोरिटाइज करनी चाहिए कि जो जो खुशियाँ आपको मिल रही है छोटी छोटी उनको आप ना एक्सेप्ट करें, उनको ग्रैप करें, उन्हें छोड़े नहीं, अपनी लाइफ को इतना सीरियस भी ना बनाएं। साथ ही एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि एक ग्रेस के साथ आगे बढ़ो, ओके एक गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाओ कि जो भी सिचुएशन हो रही है ना उसमें सरेंडर करते चलोगे ना तो ज़्यादा अच्छा है। अब सरेंडर कर रहे हो ऐसा है कि भाई आप ये बोलो कि ठीक है भगवान जी ने मुझे ये चैलेंज दिया, ये मेरी सिचुएशन बिगड़ी है या जो भी चीज़ें चल रही है इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसमें जो मेरी तरफ से कर्म लगना है, जो हार्डवर्क लगना है उसको मैं करता हूँ और बाकी मैं यूनिवर्स को सरेंडर कर देता हूँ, एंजल को सरेंडर कर देता हूँ, जिनमें भी आपका फेथ है उनको सरेंडर कर देता हूँ, वो इसका जो रिजल्ट देना चाहते हैं वो देंगे, कर्म करो फल की चिंता छोड़ दो, यही चीज़ें कही जा रही है। साथ ही आपकी तरफ वो विक्ट्री वो सक्सेस तभी आएगी जब आप अपनी वाइब्रेशन अपनी एनर्जी को हाई रखेंगे। ओके और यहाँ पे स्पीक योर ट्रूथ, यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे ना मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है क्योंकि बहुत कम लोग रीडिंग देखने वाले हैं ये वाली आई एम श्योर, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि भाई आपको ना अब या तो सही मेंटोर मिला है जो इन चीज़ों पे काम करता है, चाइल्डहुड ट्रॉमास वगैरह होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील कैसे किया जाता है और वो कैसे ऐसे पैटर्न बन जाते हैं कि हमारी जो अभी प्रेजेंट लाइफ है वो इफेक्ट कर रहा होता है, उन सब चीज़ों पे काम कर रहे हो, या तो वो चीज़ें हो सकती हैं। ये भी चीज़ें आ रही हैं कि लोगों के साथ ना कंपैरिजन करना बंद कर दो, एंजल्स यही कह रहे हैं कि आप एक जैम हो, ओके आप एक हीरा हो, वो कोहिनूर हीरा हो, या आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी वैल्यू बहुत है, जो औरों से अलग है, यानी कि लाइफ में ना कुछ बड़ा करने के लिए आप आए हो, और आप अगर किसी छोटे इंसान से अपना कंपैरिजन करोगे या किसी और इंसान से अपना कंपैरिजन करोगे ना तो आप हमेशा फंसे रहोगे,
या तो आजकल आपको बटरफ्लाई बहुत दिख रही होगी, रेनबो बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे, या आपको ना रोजेस बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे। ओके, इसके हाथ से भी ना वो स्पार्क्स सा निकल रहा है। तो जो भी सिचुएशन है ना, उसमें ये चीजें देखो कि ये मेरी लाइफ में आई तो है, बट ये किस बेहतरी के लिए आई है। तो पॉजिटिव माइंडसेट बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा अपना। पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फाइव नंबर मर्कुरी का होता है, मर्कुरी भी चेंज को दिखाता है। आपका अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल भी हो सकता है। ये चेंज मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप अपनी जॉब स्विच कर सकते हो, अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हो, या जिस जगह अभी आप रह रहे हो ना वहां से आप शिफ्ट कर जाओ, ऐसा भी हो सकता है। ओके, या तो आपके मन में चल रहा है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको चेंज करना पड़ेगा आपकी लाइफ में ना। मतलब आपके लिए मैं ट्रैवल भी देख रही हूँ कि आपको ट्रैवल करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। ये ना किसी हिल स्टेशन वगैरह का लग रहा है। मैंने कहा था ना हर्मिट मोड की एनर्जी लग रही है, यहाँ हर्मिट ही आ गया है। सो वही चीज़ मुझे लग रही है कि या तो आप ना सेल्फ एनालिसिस ज़्यादा कर रहे हो कि भाई आप खुद को रिचार्ज कर रहे हो, अपने जो पैटर्न है उनको हील कर रहे हो, या अगर आपने नहीं किया तो आपको करना चाहिए। एंजल्स कह रहे हैं कि अभी तक आपको डाउट रहा है ना कि आपको जितने भी लोग मिले हैं वो सारे झूठे मिले हैं, या ऐसे लोग मिले हैं जो सिर्फ आपको यूज़ करते हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपके लाइफ में ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपके लिए लॉयल्टी को दिखाएंगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उनको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद सामने से ना ये चीज़ शो करके दिखाएंगे कि वो आपके प्रति कितना लॉयल हैं। और दूसरी चीज़, अपना ना पर्सपेक्टिव चेंज करने और हाई करने की ज़रूरत है। जितना हो सके ना चीज़ों को डीप में जानने का ट्राई करो। अगर किसी पर्सन के साथ आप बातचीत भी कर रहे हो तो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, उसकी एनर्जी को ना रीड करने का ट्राई करो। लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते कुछ हैं बट उनके एक्सप्रेशन अलग होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है। तो लोगों की ना बॉडी लैंग्वेज को पकड़ना सीखो कि वो जब बात कर रहे हैं तो किस तरीके से बात कर रहे हैं, या वो जिस तरीके से बोल रहे हैं क्या उस तरीके के उनके एक्शन हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इससे ये होगा कि आपकी जो इंट्यूशन है वो काफ़ी हाई होगी, आपका जो नज़रिया है वो चेंज होगा, आपका जो माइंडसेट है वो स्ट्रांग होगा। साथ ही आप ना लोगों को पकड़ना कि लाइक लोगों को समझना आपको अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे ये भी चीज़ें कही जा रही है कि शायद ऐसा हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स में या कुछ ऐसा चला आ रहा है जिसको आप हील करोगे। जैसे कुछ ना कुछ फैमिली में कोई एक ऐसा इशू होता है, कुछ ना कुछ चला आ रहा है कि पीढ़ी में, उस चीज़ को आपको हील करने के लिए ना कुछ क्लू मिलेगा। पता नहीं क्यों यहाँ पे ना मेरे वर्ड्स नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको चीज़ें समझ आ रही है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, बट शायद आपको चीज़ें समझ आ रही है लेकिन आपके पास ना वो वर्ड्स नहीं है कि कैसे आप उसको एक्सप्रेस कर पाओ। यहाँ पे आपके पास माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग है तो उस चीज़ की आप टेंशन मत लेना। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में ना कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको ये चीज़ें समझ आएगी कि नहीं, जो मेरी पीढ़ी में ये चीज़ें चली आ रही है, ये रिचुअल्स चला आ रहा है, इसको मुझे ये ख़त्म करना है, या इसको मुझे वापस से शुरू करना है, या कोई कर्जा है, या कुछ ना कुछ है जो आपको पता चलेगा, उस चीज़ पर आप काम करोगे, उस चीज़ को आप हील करने वाले हो, और इसी से आपका चाइल्डहुड ट्रॉमास वगैरह भी हील होंगे। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा है, ओम मंत्र जाप आपके लिए बहुत अच्छा है। सॉरी अगर मैं बीच बीच में अटक रही हूँ, पता नहीं किसकी एनर्जी है ये, बट उस इंसान के पास ना वर्ड्स नहीं है, जिसकी भी एनर्जी है उस इंसान के पास वर्ड्स नहीं है कि भाई कैसे एक्सप्रेस करना है, बट उसको समझ आ रहा है। या तो उसके घर में चलती नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ है कि वो नहीं बोल पा रहा है, और इसी वजह से ना वो एक्सप्रेसिव नहीं है ज़्यादा। मतलब उसको हमेशा किसी ना किसी चीज़ का डर रहता है, इसलिए वो अपना पर्सपेक्टिव, मतलब इंटरनली चेंज हो रहा है बट अपनी बाहर की जो दुनिया है ना उसको वो चेंज नहीं कर पा रहा है। मुझे ये मैसेज मिल रहा है।
तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आ रहा है। आपको यही कहा जा रहा है कि भाई आपकी लाइफ में ना वो लोग आएंगे जो आपके प्रति ना लॉयल्टी दिखाएंगे। कहीं ना कहीं डॉग स्पिरिट और ईगल स्पिरिट ना आपको बहुत ज़्यादा ही दिखेंगे, या ये बहुत ज़्यादा ही गाइड करेंगे आपको। स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, अपनी अंतरात्मा की जो आवाज़ है ना उसको सुनो, उसको फॉलो करो। यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपको पता है, आपको इंटरनली चीज़ें समझ आ रही है कि ओके ये क्यों हो रहा है, ओके ये मेरे एंसेस्टर जो है वो ऐसे करते थे, शायद उसका रीज़न हो सकता है, ओके ये इस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ आपको चैनल होगा या समझ आएगा। कोई पुरानी बात भी उठ सकती है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब आपके एंसेस्टर से रिलेटेड कि आपकी पीढ़ी में ना ये प्रथाओं थी या ये चलता था या ऐसे होता था, समथिंग कुछ चीज़ें हो सकती हैं। कहीं ना आप स्टैंड लोगे अपने लिए, आप स्टैंड लेने वाले हो। आपको यही चीज़ें कही जा रही है कि आप इंटरनली स्ट्रांग हो, क्योंकि आपको पता है क्या चीज़ें हैं, क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। बट उससे ना आपको बाहर की रियलिटी को चेंज करना है। ये लर्न चेंज ग्रो का कार्ड जो आया है ना, इससे ही होगा कि एक तो सेल्फ लव प्रैक्टिस में आ जाओ, दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आपकी ऐसी पुरानी चीज़ें जो चली आ रही हैं लाइक आपके एंसेस्टर वगैरह की, तो उनको हील करो, किसी से हीलिंग लो या कुछ ऐसा करवाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में ना यही कहा जा रहा है कि आपको इन्जॉय करने की ज़रूरत है। पता नहीं क्यों आप बहुत ज़्यादा ही सीरियस ले रहे हो अपनी लाइफ को, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरी लाइफ में ना ये स्ट्रगल ही है, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। और कहीं ना कहीं आपको ना सेल्फ डाउट बहुत रहता है, आप बोल नहीं पाते हो, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। मे बी आपको अपनी मदर के साथ कनेक्शन ठीक करने की ज़रूरत है, मेडिसिन मदर का कार्ड आया है, या फिर कोई फेमिनिन एनर्जी होगी जो आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रही है, आपको बहुत सपोर्ट करती है, साथ देती है, या वही आपको गाइड कर रही है। यहाँ पे यही चीज़ें आ रही है कि पहले तो ये चीज़ है कि आपको समझ आ रहा है कि आपको लाइफ में क्या करना है। सॉरी बहुत लंबी रीडिंग हो गई है। एक तो ये है कि आपको समझ आ रहा है कि भाई मुझे क्या करना है लाइफ में, लेकिन रियलिटी ये है कि आप अपनी जो अभी जो मटेरियलिस्टिक दुनिया में हो ना, वहाँ पे चेंज नहीं कर पा रहे हो किसी रीज़न से। आपकी स्पिरिट एनिमल जो है ना आपको सपोर्ट कर रहा है, बट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं यही चीज़ें कहूँगी कि डिवाइन टाइम पर सब चीज़ें हो जाएंगी, डिवाइन टाइम पर आप अपने पथ पर पहुँच जाओगे, ओके। और इस पद पे पहुंचने के लिए कि जो भी आपको करना है, चाहे आप स्टार सीड हो, चाहे आपको ओकल्ट में आना है, लोगों को हील करना है, कुछ भी हो सकता है, उस चीज़ में ना आप जा तो रहे हो, लेकिन टाइम लगेगा। एक डिवाइन टाइम का वेट है, ओके, उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ना आपको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देगी। आपका जो अभी बिहेवियर है, अभी जो नेचर है ना, वो पूरा ओवरऑल चेंज होने वाला है। जैसे एक स्नेक ना अपनी ओल्ड जो स्किन होती है उसको हटाकर एक न्यू स्किन लेता है, वैसे ही। सो यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप टेंशन मत लो, अभी आपकी सिचुएशन स्टक हो सकती है, अभी आपको लग रहा है कि भाई मेरे को वो फाइनल डेस्टिनेशन क्यों नहीं मिल रही है। टाइम लगेगा, बट वो डेफिनेटली मिलेगी, और वो इतनी बड़ी होगी, इतनी मेजर होगी कि आप दुनिया पर राज करो, या आपका नाम बहुत बड़ा होगा। लेकिन उससे पहले ना आपको अपने ऊपर वर्क करना होगा। जो भी आपका फैमिली में चला आ रहा है, जो भी कर्सेज वगैरह है या कुछ भी है, तो उसको आपको क्लियर करना होगा, हील करना होगा। अपने एंसेस्टर को भी किसी चीज़ से मुक्ति दिलाना, या कुछ ना कुछ अगर किसी चीज़ में वो फंसे हैं तो उनसे बाहर निकालना होगा आपको। मे बी आपको हनी भी बहुत ज़्यादा ही दिख रही हो आजकल, ऐसा हो सकता है। या आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे ना 7 चक्रास दिख रहे हैं मुझे, सारे के सारे ही दिख रहे हैं। तो आपके लिए 7 चक्र मेडिटेशन भी बहुत अच्छी है, या आप एक हीलर ही हो सकते हो। सो या गाइस, मुझे यही दिख रहा है। आई होप रीडिंग अच्छी लगी होगी, रेजोनेट की होगी। की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी।
मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय बाय।